नमस्कार, मैं सोनिका और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। आज हम आए हैं महल स्थित बेली ग्राम पर, जहां पालक मंत्री नितिन राउत ने पिछले दिनों 15 से 21 तारीख तक जो लॉकडाउन लगाया है, उसके कारण व्यापारियों के ऊपर क्या परिणाम होने वाला है और उनके क्या प्रोत्साहन देंगे, चलवाइए जा रहे हैं। अभी हम आए हैं शीतल क्लॉथ स्टोर में, आइए देखते हैं उनका क्या। जैसे कि पिछले एक सालों से लॉकडाउन शुरू था, बीच में बंद भी करवाया गया, अभी जाकर एक दो महीने में व्यापारियों का वो जो उनका बिजनेस है रूटीन पे आया था, लेकिन फिर से लॉकडाउन ऐसा कराया गया, तो आपका क्या कहना है? नहीं होना चाहिए लॉकडाउन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजनेस जुड़ा है, सबकी फैमिली से रहती है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आपकी सरकार से अपनी कुछ पर्सनल मांगे हैं? टाइमिंग रखना चाहिए, जैसे 10 to 7 या 10 to 6 ऐसा कुछ टाइमिंग रखना चाहिए, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि इनसे बात करके यही समझ में आया कि पिछले एक सालों से जो कोरोना का असर अपने देश में दिख रहा है, और अभी एक साल बाद व्यापारियों का अपनी दुकानदारी को लेकर जो रूलिंग आ रहा था, तो अभी फिर से लॉकडाउन करके कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। मोरेश्वर सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 15 से 21 तारीख तक जो पालक मंत्री ने लॉकडाउन लगाया है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अब ये लॉकडाउन जो है लगाया इन्होंने, ये लॉकडाउन मतलब ज़बरदस्ती पब्लिक के ऊपर या फिर व्यापारियों के ऊपर में लादा गया है। एक्चुअली लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यदि ये पहले से यदि मॉनिटरिंग करते थे इसको। अब देखिए, आप सामने यदि देखोगे पूरे मार्केट में, तो ये नो हॉकर जोन होने के बावजूद भी यहाँ पर इतने ठेले वाले हैं, और पुलिस वाले यहाँ से जाते हैं, खाली सायरन बजाते हुए जाते हैं, उनको अलर्ट कर देते हैं, वहाँ से पहुँच जाते हैं। दूसरी बात क्या है, कोई भी ऑफिसर यहाँ से जाता है या फिर NDS वाले जो जवान जाते हैं, वो वहीं से उनको सीटी मार के पहले अलर्ट कर देते हैं, और वो फिर 5 मिनट के लिए भग जाते हैं, उसके बाद में फिर से आते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या है, रश वो ठेलों के कारण रहती है। दुकानों में आप देखोगे दुकानें पूरी खाली पड़ी है, रश मार्केट में खाली घूम रहे हैं, खाली ठेलों के ऊपर विंडो शॉपिंग करने वाले लोग हैं। इसीलिए मतलब जो फैलाव जो होता है, इसके पहले भी मैंने एक दो बार जब म्यूनसिपल कमिश्नर का नागपुर ऐप जो डाला था उन्होंने, उसमें मैंने पर्सनली डाला था कि आप पहले इनको मॉनिटर कीजिए, इन लोगों को जब यहाँ पर नौ हफ्त में है तो इतने ठेले वाले यहाँ पर भीड़ किस लिए मचाते हैं, और उसके कारण पूरी पब्लिक इधर उधर घूमती है, और कोरोना फैलने का तो ये सोर्स हो जाता है ना ये पूरा। तो इसके और दूसरी बात ये है, अच्छा ठेले वाले भी जो है उनको यदि मॉनिटर करके बराबर ये किया जाए, तो कस्टमर उनके भी हो सकते हैं, वो भी भूखे नहीं मरेंगे। अभी ये एकदम 8 दिन का जो उन्होंने अनाउंस कर दिया है पालक मंत्री ने, तो ये क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से खाली इन्होंने किया है, उसको नहीं लगता ये कोई सक्सेस होगा, क्योंकि उसके बावजूद उन्होंने जितना भी है जो डेली कमाने वाले जो है उन लोगों का बंद करते हुए सोर्सेस बंद करते हुए बाकी लोगों के लिए मतलब होटल शुरू किया है, हमने किराने की दुकान चालू है, भाजी मंडी चालू है, सब कुछ है, डेली नीड्स की दुकान नाम के चालू है, तो बाकी तो सब लोग बाहर निकलेंगे ही ना, बाहर भी चालू है, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा कि पब्लिक तो रहेगी बाहर। आप गाड़ियाँ बंद करवाओ, जो अननेसेसरी घूम रहे हैं उनको चालान करो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन इधर लगा दिया, पुलिस वाले अपने चालान फाड़ी रहे 500 रुपये का, मतलब ऑलरेडी पब्लिक जो है इकोनॉमिकली सेटबैक आ चुका है पब्लिक को, और उसके बाद में भी उनके 500 रुपये 200 रुपये ये कोई तरीका थोड़ी है वसूल करने का, ये मतलब उन्होंने अपने सोर्सेज पूरे चालू रखे हैं, और पब्लिक जो कमा रही है डे टू डे उनको बंद रख रहे हैं हर रोज, तो ये कोई बराबर नहीं है। ये मतलब एक साल के बाद अभी तो रोजगारों की जो आपके व्यापारियों की गाड़ी रूलिंग पर आई थी, उसके बाद फिर से ये लॉकडाउन लगाना हाँ वही तो अभी एक 15 दिवस पहले थे, मतलब कस्टमर थोड़े मार्केट में घूम रहे हैं, दिवाली में थोड़े दिन थे, उसके बाद में फिर स्लैक था, अभी फिर से हो गया। अब व्यापारियों ने नया माल भरा, ये किया तो ठीक किया, और फिर से इन्होंने लॉकडाउन ऑल ऑफ अ सडन डिक्लेयर कर दिया। उससे अच्छे मॉनिटरिंग यदि ठीक से करते हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब लोगों के ऊपर में इतना बर्डन नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कोरोना के नाम से सिर्फ पब्लिक को डराया जा रहा है? नहीं, वो तो दिख ही रहा ना, और देखिए मैं भी अभी बाहर घूम के आया, इधर उधर पूरा देखा, तो कहीं पर भी लोग क्या है, कई लोग अपने खुद भी अलर्ट होने चाहिए, उनके ऊपर उनको एजुकेट करना चाहिए कि ऐसे इस होने के कारण आपको तकलीफ हो सकती है, आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, ये सब उनको पहले अवेयर कर देना चाहिए। अब कोरोना के कारण स्कूलें बंद कर दिया है उन्होंने, सब कुछ कर दिया, और स्कूल बंद करने से क्या है, बाकी सैलरी तो जो सैलरी लोग है उन लोगों को सैलरी बराबर पूरी मिल रही है, पढ़ाते भी नहीं टीचर लोग फिर भी सैलरी पूरी होना बोल रहे हैं, सर्विस पे जाते नहीं है सर्विस मतलब सैलरी पूरी होना, खाली दुकानदारों के ऊपर ही पूरा टैक्सीजन हो रहा नहीं, व्यापारियों पे। अच्छा, छोटे व्यापारी क्या है, बड़े व्यापारी जो है अभी सब लोगों ने बोल दिया है कि सबको आपको कैश ऑन पेमेंट करना पड़ेगा,
तो जो क्रेडिट पर माल मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा कस्टमर, मतलब शॉपकीपर क्या करेगा, वो तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना समाज का। और टैक्सेस तो पूरे देना ही है आपको, जीएसटी देना है, ये है वो है, तो वही थोड़ा सोचना चाहिए। माल का भी थोड़ा सा नज़ारा भी बदल गया है, तो उसके वजह से भी आते हैं क्या कस्टमर? नहीं, माल में तो अभी ऐसा ही है, तो रोड वाइडनिंग का जो है 1917 से चल रहा है, तो ये 2017 से चल रहा है, तो 17 से तो ये रोड वाइडनिंग का इतना ही इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर हो चुके सब दुकानदार लोग, उन्होंने अपनी व्यवस्था कर लिया है। ओवरऑल क्या है कि मार्केट में जो कस्टमर का इन्वेंट्री जो रहता है वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ द रोड वाइडनिंग, बाकी और दूसरा कोई कारण नहीं। लॉकडाउन के ऊपर ध्यान देने की बजाय अगर वैक्सीनेशन के ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, वैक्सीनेशन के लिए पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए कि हाँ। वैक्सीनेशन के बेनिफिट क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, और या फिर फैलाव यदि होता है समाज में तो फैलाव किस लिए रोकना, कैसे रोका जा सकता है, ये पहले उनको पब्लिक को अवेयर कर देना चाहिए। एकदम वैक्सीनेशन भी निकाल दिया और वो बोला है कि इसके आप अच्छा, एक साइड में आप बोलते हो कि उसके फायदे भी है, दूसरे साइड में बोल रहे हो कि उससे बुखार आ सकता है, ऑटोमेटिकली पब्लिक डर जाएगी ऐसे वैक्सीनेशन के लिए जाएगी, वो उनको अवेयर करने मतलब एजुकेट करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा है कि आने वाले 15 से 21 तारीख तक जो लॉकडाउन लगने वाला है उससे सारे ही व्यापारी चिंता में है, क्योंकि अभी अभी तो उनकी दुकानदारी चलने को आई थी और अचानक से ये 7 दिन के लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं उनके दिलों में भी डर है कि आने वाले टाइम में ये व्यापार उनका सही ढंग से चल पाएगा भी या नहीं। रोजी रोटी का सवाल है सबको, छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक, सभी लोग आप देख सकते हैं कि चिंता में ही दिख रहे हैं।